हेलो गाइस, वीटॉक्स में आपका स्वागत है। सो, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक मैजिकल सीरीज मतलब लॉक एंड की के सीजन 3 के बारे में। सो, कुछ टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट जाते रिव्यू की तरफ। सो, फर्स्ट बात करते हैं मेरे फर्स्ट डिसअपॉइंट से, और वो है मेन कैरेक्टर मतलब बॉडी से रिलेटेड। बॉडी इस सीरीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। सीजन 1 में हमने तो देखा है कि बॉडी क्या नहीं कर सकता और वो कितना इंटेलिजेंट है, बट सीजन 3 में उसका ये चार्मिंगनेस दिख ही नहीं आता है। और बाकी कैरेक्टर का एज यूजुअल जैसे सीजन 1 और सीजन 2 में डिलीवरी थी वैसे ही परफॉर्मेंस है। सो, अभी आते हैं मेन मुद्दे पे मतलब स्टोरी लाइन पे। सो, स्टोरी के अंदर बहुत सारे नए एलिमेंट ऐड किए गए हैं, उसमें से एक मतलब टाइम ट्रैवल, वो तो हम लोगों ने ट्रेलर में देखा ही। सो, हाँ, स्टोरी में इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट जैसे हमें सीजन 2 में फील हुआ था जैसे कि स्टोरी बहुत ही लेंदी की जा रही है, वैसे ही सेम सीजन 3 में भी लगा। और यही चीज मैं इस सीजन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा था कुछ तो नया देखने को मिलेगा। उन्होंने स्टोरी को बहुत ही खींचा है, मैं इन डिटेल में बात नहीं कर सकता क्योंकि स्पॉयलर्स हो जाएगी, पर इतनी स्टोरी खींचने के बाद इसकी एंडिंग उतनी इम्पैक्टफुल है, तो चलिए जानते हैं। सो, सीजन 2 की तरह सीजन 3 भी बीच बीच में ऐसे स्टोरी प्लॉट डालता है कि मुझे ऐसे फील होने लगा था कि एंडिंग में कुछ तो बड़ा धमाका होगा, बट नहीं, सीजन 2 की तरह इसकी एंडिंग भी बहुत ही लेम थी। स्टोरी में पूरा का पूरा पोटेंशियल था, उन्होंने बिल्डअप भी अच्छा किया था, उन लोग को इतनी क्या घाई थी कुछ पता नहीं, पर जल्दी जल्दी में उन्होंने पूरी वाट लगा दी। बस इन द शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि स्टोरी के अंदर पोटेंशियल थी, उन्होंने वेस्ट कर दिए। इसका मतलब आपको लगता रहेगा कि ये देखने लायक तो नहीं है, पर मेरा अभी भी यही कहना है कि लॉक एंड की का कंसेप्ट बहुत ही अलग था और जो भी देखेगा उसको क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती ही जाएगी, पर ये लोग वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास बहुत ही खाली टाइम है, अगर आपको ऐसे ही टाइम पास करने का है, कुछ दिमाग नहीं लगाने का है, तो ये सीरीज देखना, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको एंडिंग आउटपुट अच्छा नहीं मिलता रहेगा तो क्या ही मतलब है। किसी भी चीज की शुरुआत और अंत मैटर करती है, और यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि सीजन 1 ने बहुत ही ग्रेट स्टार्ट किया था, बट सीजन 3 यू डिसअपॉइंट अस। सो दैट्स इट गाइस, तो ऐसे रिव्यू हम लोग लाते रहेंगे, आपको खुश करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।